नमस्कार, फाइव वे सिटी फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ सुचंद्रा, आप लोगों का होस्ट। और आज हम लोगों के साथ रायपुर से एक टैटू स्टूडियो के ओनर है, जो कि रायपुर की एक बेस्ट टैटू स्टूडियो में से एक है। उसका नाम है आर्ट एंड आर्टिस्ट टैटू स्टूडियो, और उनके ओनर मिस्टर सौरभ तिवारी जी आज हमारे साथ फेस टू फेस में मौजूद है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके टैटू स्टूडियो के बारे में डिटेल में। सो सौरभ जी, नमस्कार, आपको फेस टू फेस में आपका स्वागत है। और आप तो मतलब पहले से ही बेस्ट एक टैटू स्टूडियो में हो रायपुर से, आपको आप वैसे भी टॉप में आते हो गूगल में, तो कितने साल हुए आप इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो कितने साल के एक्सपीरियंस है आपके? अभी मेरे को क्या है, बचपन से ही स्केच आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट रहा है मेरे को। तो शुरू से मैंने सोच के रखा था कि मुझे जो है एज अ टैटू आर्टिस्ट ही जो है अपना करियर बनाना है, तो मैं स्केच वगैरह का जो है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। बाकी रायपुर में हमें 4 साल हुआ है, जिसमें से हम 3 साल से अभी यहाँ पे आमापारा में अभी गूगल पे लिस्टेड हैं, और इसके पहले नागपुर वगैरह में भी काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट के अंडर पे रह के मैंने काफी सालों से मतलब एज अ टैटू आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मतलब ये जो पेशे में आप अभी हो, ये पूरे के पूरे आपका मतलब शौक से हो, हॉबी से अब यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल, मेरा ये हॉबी भी रहा है, मेरा पैशन भी रहा है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इसलिए हम जो है इस काम को करते हैं। जी हाँ। अच्छा सौरभ जी, जैसे कि टैटू है तो आजकल तो ये बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत साल हो गए हैं अभी ये ट्रेंड में चला आया है, तो फिर हर कोई टैटू आर्टिस्ट का एक खासियत होता है कि उसका कुछ स्पेशल डिजाइन होता है जिसके लिए वो फेमस रहते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या है कि जिसके लिए आपके पास लोग आते हैं, आपका फेमस क्या है, कौन सी टैटू स्टाइल में आप फेमस हो या फिर स्पेशल हो? वैसे तो सभी प्रकार के जो टैटूज है वो अभी ट्रेंड पे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास है वो फेस टैटू का काम आता है। फेस टैटू का काम को हम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे क्लाइंट के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जुड़ी रहती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें उनके उम्मीद से कहीं बेहतर जो है वो रिजल्ट दे पाए। अच्छा, तो फिर फेस टैटू बहुत मतलब डिमांड में है, और उसके साथ साथ ये जो टैटू है हम लोग जानते हैं कि एक लॉन्ग टाइम है, क्योंकि आज टैटू किया तो कल उसको हटा दिया ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सोच समझ के डिसीशन लेना पड़ता है कि उसको रखना है। तो ये जो मतलब हटाने की बात मैं कर रही थी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टैटू रिमूवल भी आजकल होता है, तो ये भी क्या आप करते हो, इसका क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है, इसके बारे में आपके पास तो जानकारी तो है, तो इसके बारे में कुछ जी बिल्कुल, टैटू रिमूवल जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए एडवांस लेजर ट्रीटमेंट होता है, हम जो है वो एडवांस लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, और इसमें इसका एक प्रोसेस होता है कि इसकी एक सिटिंग, इसकी सिटिंग्स होती है, ये एक बार में सारे टैटूज जो है वो रिमूव नहीं होते हैं। इसके लिए 30-30 दिन का लगभग जो है वो इंटरवल होता है, और ये डिपेंड करता है क्लाइंट के स्किन पे भी, कि किसी के स्किन पे 3 सिटिंग्स में चला जाता है तो किसी को 4 से 5 सिटिंग्स भी लग जाते हैं, लेकिन टैटू जो है वो पूरा परमानेंट रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो आजकल मतलब ये रिमूवल का मतलब डिमांड कितना आता है, बहुत है? जी बिल्कुल, अभी क्या है क्रेज इसका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अभी क्या है जो क्लाइंट्स है वो क्वालिटी फिनिशिंग जो है वो समझने लगे हैं, तो अच्छा। वैसे में जो एक समय था जिस समय जो मेले वगैरह के जो टैटूज हैं, और उस समय उतना चीज़ें जो है वो एडवांस नहीं हुई थी, तो उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि इस तरीके के भी टैटूज बनते हैं, तो अभी जो टैटू जो देखते हैं, जो क्वालिटी जो फिनिशिंग देखते हैं, तो एक फील होता है कि नहीं यार हमने काफ़ी ज़्यादा जो है स्किन वगैरह को ख़राब कर लिया है, तो हमें टैटू जो है वो रिमूव करवाना चाहिए, तो इसलिए जो है वो टैटू रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्लस इसके साथ बहुत से सेक्टर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसमें परमानेंट टैटू को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, तो इस रीजन से भी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी टैटू रिमूवल की सर्विस काफी ज्यादा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोर हो जाते हैं एक टैटू को देख देख के, तो तभी भी वो हटाना चाहते हैं, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बट क्या है टैटू रिमूवल का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है, काफी ज्यादा स्टेप्स होते हैं इसके, काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है, तो मेरे हिसाब से टैटू जो है वो काफी ज्यादा सोच समझ के बनवाना चाहिए। जो डिसीजन है ये परमानेंट रहना, परमानेंट इसे रखना है, तो उसी हिसाब से क्लाइंट को जो है ये डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा जी हाँ, एकदम। अच्छा सौरभ जी, आप तो वैसे भी मतलब गूगल में बहुत दिनों से पहले ही आते हो, मतलब टॉप में ही रहते हो, तो इसका क्या राज है, मतलब कैसे? मैम हम जो है वो काफी सालों से एज अ टैटू आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं,
और हम यहाँ गूगल पे जब लिस्ट किए अपने आप को, तो काफी सारे एक्सपीरियंस के साथ हम जो यहाँ पे आए हैं, तो हम क्लाइंट को बहुत ज़्यादा क्वालिटी और फिनिशिंग पे जो है वो फोकस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारी उम्मीद ये रहती है कि क्लाइंट जो चीज़ें सोचकर हमारे लिए हमारे पास आया है, उसे हम जो है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उनको दे पाए। तो इस वजह से जो है हमें क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे टैटूज हमारे डिजाइन्स पसंद कर रहे हैं। प्लस मुझे ये चीज़ भी बताते हुए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज 1,000 से ज़्यादा कस्टमर का जो है वो पहला नंबर 1 चॉइस बना हुआ है आर्ट एंड आर्टिस्ट टैटू स्टूडियो। बहुत अच्छा, और ऐसे ही बना रहे, यही हम लोगों की भी कोशिश है। और ये जो मैं इसी बात में मैं और एक चीज़ आपसे पूछूंगी कि टैटू आर्टिस्ट आपने जैसे कहा कि बहुत सारे हैं हम लोगों के आसपास, तो डिफरेंस क्या है, मतलब आपसे उनका डिफरेंस क्या है काम के अंदर? डिफरेंस मैं यही कहना चाहूंगा कि क्लाइंट क्या है, जब भी टैटूज बनाता है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो फिनिशिंग है, वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए खासकर बड़े टैटूज वगैरह में, क्योंकि इसमें क्या है, परमानेंट आपकी फीलिंग्स आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं और ये चीजें आपको जिंदगी भर रखना है। जैसे आपका बॉडी पार्ट आपके साथ रहना है, वैसे एक टैटू भी है जो हमेशा आपके साथ रहना है। तो वैसे में उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर रहे, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इसलिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हमारी जो क्वालिटी है, हमारी फिनिशिंग जो है वो बाकी जो टैटू आर्टिस्ट है उनसे हमें बेहतर बनाती है, और हम लगातार अपनी क्वालिटी और फिनिशिंग पे काम करते हैं। जी हाँ, रायपुर से सौरभ जी, आपका जो आर्ट एंड आर्टिस्ट का जो लोकेशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, कुछ बता दीजिए वो। ये हमारा टैटू का जो लोकेशन है वो अग्रसेन चौक आमापारा रोड पे है। ये आमापारा अच्छा, मेन रोड पे ही है, ये दुर्गा मंदिर के सामने पड़ता है। और क्या मतलब हफ्ते में कि रोज खुला है या फिर बंद भी रहता है कभी डेट हाँ बिल्कुल, हम टाइमिंग? हफ्ते में 7 दिन जो है वो काम करते हैं। सैटरडे संडे जो है वो बिना अपॉइंटमेंट के काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स और जितने भी काम करने वाले हैं सबको संडे सैटरडे ही जो है वो फ्री टाइम मिल जी पाता है, हाँ तो जी इसलिए हाँ, सैटरडे संडे थोड़ा काम ज़्यादा होता और पूरा के पूरा काम क्या आप खुद ही करते हो या फिर आपका टीम भी है इसके साथ? है। बिल्कुल, मेरे कुछ आर्टिस्ट हैं जो मेरे अंडर के रह के ही ट्रेनिंग लिए हैं, वो लोग भी काम करते हैं। इसके अलावा हमारे एक दो आर्टिस्ट हैं वो लोग भी काम करते हैं। तो बाकी जो जितने भी बड़े जो टैटूज है, 3D पोर्ट्रेट्स वगैरह, वो सारे काम मैं देखता हूँ। सौरभ जी, एनी फ्यूचर प्लानिंग कि आप आपके आर्ट एंड आर्टिस्ट स्टूडियो को फ्यूचर में कहाँ पर देखना चाहते हो, एनी फ्यूचर प्लानिंग? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि आर्ट एंड आर्टिस्ट टैटू स्टूडियो जो है वो सभी जगह पर हो। हम इसकी ब्रांचेस वगैरह की सोच रहे हैं, तो ये हमारा एम है, इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसको भी जो है वो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं आप बहुत आगे जाए, यही मतलब हम लोगों की विश है, आप बहुत आगे जाए। और बस लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एनी मैसेज, एनी टिप्स आपके क्लाइंट्स के लिए जो कि टैटू उसके पास हो सकते ऑलरेडी है या फिर वो करने की बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एनी मैसेज आप देना चाहते हो क्लाइंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर कोई क्लाइंट अगर परमानेंट टैटू की सोच रहा है तो उनको ये मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ले। और बिल्कुल कभी भी अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो वर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से किसी भी क्लाइंट का जो है वो चेक कर ले, और पहले से उनको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का ध्यान रखे, क्योंकि आप वो चीज़ें जो है वो परमानेंट अपने स्कीम पे बनवा रहे हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बजट के चलते जो है वो कोई ऐसा टैटू ना बनवाए जिसके चलते हम हमें बाद में लगे कि नहीं, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पे करते लेकिन काम वो वाला करवाते, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर बजट का अगर इशू है तो थोड़ा सा रुक के बनवाएं, बट काम जो है वो प्रोफेशनल करवाएं, जिससे बात जी हाँ, इन फ्यूचर क्वालिटी उन्हें मेंटेन कभी करके रिग्रेट करें, ना आए। ऐसा नहीं कि बजट कम कम करके वो कुछ ऐसा कर लिया जिसके उसे इफेक्ट हो सकते हैं बाद में, क्योंकि एक लॉन्ग बिल्कुल, टाइम अगर और बजट का इशू है तो कोई एक छोटा टैटू बनवा सकते हैं, या फिर जब बजट बन जाए तब वो टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा सा रुक जाए और देख कर बनवाए, क्योंकि ये परमानेंट रहने वाली चीजें हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौरभ जी, सौरभ जी, टैटू तो आप करते ही हो, रिमूवल भी आप करते हो, तो इसके साथ साथ और कोई सर्विसेज है जो कि आप देते हो? जी बिल्कुल, हम परमानेंट टैटू बनाते हैं, टैटू रिमूवल का काम भी हमारा है। इसके अलावा हम टैटू की ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम अच्छा ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं, जो ये कोर्स जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक होता है, जिसमें हम कंप्लीट टैटू की ट्रेनिंग देते हैं।
आप खुद ही देते हो वो? जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो माइक्रो ब्लीडिंग पिगमेंटेशन का काम है, जिसमें आपका परमानेंट लिप टैटू, सेमी परमानेंट आईब्रो टैटू, ये सब भी आते हैं, ये सारे काम भी जो है हम करते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा लगा सौरभ जी आपसे बात करके, टैटूज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और आप लोगों को भी, दर्शकों को भी मैं कह दूं कि रायपुर से अगर अगर आप हो तो फिर आर्ट एंड आर्टिस्ट स्टूडियो जो कि सौरभ जी के हैं, तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं। अच्छे से अच्छे सर्विस आपको मिलेगा वहां पर सौरभ जी से और उनके टीम से। थैंक यू सौरभ जी हम लोगों को टाइम देने के लिए, और आपको बहुत जी बहुत मुबारक हो और भी आपका टैटू स्टूडियो आगे जाए, यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। आज का ये इंटरव्यू फेस टू फेस यही तक मैं खत्म करूंगी, और अगले दिन फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।